तो गाइज आज घर में सभी बहुत सैड है, बिकॉज अभी जो हुआ है ना, अभी हमारे पास आया एक नोटिस जो कि सोसाइटी वालों ने भेजा है। ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइज मस्त रेडी हो गए हैं और सुबह सुबह एक पार्सल रिसीव किया हमने, ये बॉक्स बड़ा सा, देखते हैं इसमें क्या और किसने भेजा ये। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, हम अनबॉक्सिंग बहुत करते हैं ना, मजा आता है। खुल गया ये मेन। तो गाइज बॉक्स में से एक और बॉक्स निकला, ठीक है। कैमरा, कैमरा रियल रियल कैमरा है क्या? रियल कैसा होगा? अच्छा ये शो पीस है। तो यहाँ पे एक लेटर है, डियर सौरव विजिटेड योर प्लेस, और ये फोटो भी है हमारे साथ, थैंक यू सचिन शर्मा। फिर चॉकलेट्स, तेरे को नहीं मिलेगी चॉकलेट, एक चॉकलेट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें सारी चॉकलेट्स हैं, ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट, 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 सारी चॉकलेट है जो कि इन दोनों में से किसी को नहीं मिलेगी। छुपा देता हूँ, खुद ही खाओगे ना फिर, खुद ही खाओगे ना फिर। मम्मी अपना सिलाई काम कर रही है। ये देखो टॉफी का डब्बा छुपा रखा है, ये देखो ये भी है, ये सब भी है। तो गाइज आज घर में सभी बहुत सैड है, बिकॉज अभी जो हुआ है ना, अभी हमारे पास आया एक नोटिस जो कि सोसाइटी वालों ने भेजा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया था, मैं दुबई गया था तो मेरे पीछे से सब्सक्राइबर कर रहे होंगे, तो उन्होंने गार्ड के हाथ में बदतमीजी की, हाथापाई वगैरह भी कर ली, तो उस वजह से ना सब ब्लेम हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर आ रहा है। तो अब नोटिस आ गया सोसाइटी की तरफ से, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये देख के ना बहुत बुरा सा लग रहा है, मेरे को भी पूरी फैमिली को भी। तो हाँ बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, और एक मतलब स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, अब अगर सोसाइटी के बाहर कोई आएगा या फिर घर के बाहर कहीं भी, सोसाइटी के अंदर बाहर कहीं भी, गेट के बाहर, सोसाइटी के बाहर कहीं भी आएगा, तो मैं किसी से ना मिलूँगा, ना मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर। तो हाँ ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझे रूड समझो, चाहे कुछ भी एटीट्यूड वगैरह कुछ भी समझो, बट हाँ अब मेरे पास नोटिस आ चुका है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को क्या पता क्या करना चाहिए, मेरे को क्या पता क्या करना चाहिए। आप सैड नहीं हो? नहीं, नहीं। अगर आप मुझे प्यार करते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सोसाइटी के बाहर मत आना, सोसाइटी के अंदर मत आना, मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा आपसे, मतलब ना फोटो खिंचवाऊंगा, ना वीडियो, ना मिलूंगा भी नहीं, बाहर मिल लूंगा मैं बाहर, अगर आप कहीं भी मिलोगे तो, बट सोसाइटी के अंदर नहीं, सोसाइटी के बाहर, गेट के बाहर भी मैं नहीं रुकूंगा, अगर मेरी गाड़ी जाएगी, अगर आप खड़े होगे मैं नहीं रुकूंगा। गाइज इन सब चीज़ों से जो मेरे दिमाग पर फ़र्क पड़ता है ना, मेरी मेंटल हेल्थ पर, मतलब बिल्कुल मेंटल हेल्थ की तो लगी पड़ी है, मतलब हर चीज़ों में। तो हाँ मतलब आपको लगता होगा कि हाँ मैं हैप्पी हैप्पी हूँ, बट एक मेंटल हेल्थ होती है ना उसकी, मतलब क्या करूँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फेमस हैं, सब कुछ है, लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें, बट स्टिल जो मेंटल हेल्थ है ना उसकी लगी पड़ी है सच्ची बात। और मेरे साथ में पूरी फैमिली की भी, सभी सैड हैं बहुत, मम्मी अपने रूम में, पापा जी अपने रूम में, सब अपने रूम में, देखो कोई भी नहीं है। टाइम क्या हो गया, देखो 3:30 बज चुके हैं, अभी तक मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर पाया, सभी इसी के टेंशन में थे, सुबह से ब्लॉग भी नहीं करा, बस अनबॉक्सिंग की थी हमने। गाइस ये पहली बार भी नहीं है, एक बार पहले पुलिस भी बुलाई थी किसी ने, और मतलब वार्निंग वगैरह तो आती रहती है हमारे लिए, बट अब की बार देखो सीधा नोटिस ही आ गया। मतलब सोच सकते हो कि मतलब दिमाग पर कितना असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, मतलब क्या पढ़ रहा हो, क्या सोच रहा हूँ मैं अभी, मेरे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा ना, क्या भाई पढ़ कर दिमाग हिल गया। तो गाइस इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर किसी को चल जाए पता कि सोसाइटी के अंदर नहीं आना, सोसाइटी के बाहर नहीं आना है, प्लीज़ वीडियो को इतना शेयर कर दो और ये बात फैला दो। इसीलिए जो भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ना, वो सब दिल्ली मुंबई चले जाते हैं रहने के लिए, मतलब मन तो करता है उनके अपने होम टाउन में रहने का, बट रह नहीं पाते, अब मुझे अब फील हो रहा है। इसीलिए मैं हरियाणा से यहाँ आया था, बिकॉज हमारी देवभूमि, हमारी मेरी जन्मभूमि है ये, बट मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, मेरे को बड़े शहरों में ही रहना पड़ेगा, बिकॉज मेरा काम भी वहीं होता है, और ये सब दिक्कतें भी हो रही हैं, नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं, तो फैमिली यहाँ रहेगी, शायद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट बिना फैमिली के रहा भी नहीं जाएगा, शायद फैमिली को भी ले आना पड़े, देखते हैं जो भी होगा। बाकी आप कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और बाकी मूड बहुत ख़राब है। देखो हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं ना, मुझे देखते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उनको कोई मतलब भी नहीं है, तो अगर उनको दिक्कत होगी मेरी वजह से, तो हाँ वो बोलेंगे, तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं यहाँ पर आ गया, मुझे लग रहा है। तो मैंने वीडियो में बोल दिया कि सोसाइटी के बारे में नहीं मिलूंगा, और घर पर भी नहीं मिलूंगा किसी से, कोई भी आएगा तो फोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। टेंशन तो नहीं हो रही? टेंशन तो होती है यार, क्यों नहीं होती है। तो अब चलते हैं बोबे के पास में और उनसे पूछते हैं क्या करना है। जय माता रानी, सब कुछ ठीक करना बस। चले कहाँ से आयो? कहाँ से? चलो फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय। देखो गाइस मैं हूँ बहुत ज़्यादा डरपोक, मैं भी और मेरी फैमिली भी सब बहुत सिंपल और बहुत डरपोक है, हम थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना, कोई कुछ भी बोल देता तो मतलब बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत डर लगता है, लेकिन बोबे भी हैं, बोबे भी मोटिवेट करते हैं हमेशा, तो बोबे भी निकालेंगे सोल्यूशन। गाइस अभी भी एक कार हमको फॉलो कर रही है, चलो ये तो ठीक है, बट इसमें मुझे लग रहा है कभी ना कभी कुछ होगा, बिकॉज बहुत लोग गिर जाते हैं बाइक वाइक से फॉलो करते हुए, ओवरटेक करते हुए। तो गाइस बस आपको ही समझना पड़ेगा इसमें, और कुछ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बस आपको ही समझना पड़ेगा कि इस तरह से फॉलो नहीं करना है, घर के बाहर नहीं आना है, किसी को दिक्कत नहीं देनी है, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको दिक्कत नहीं देनी है,
उसके आसपास वालों को दिक्कत नहीं देनी है। ये चीज समझानी पड़ेगी सबको, पूरे इंडिया में सबको समझानी पड़ेगी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको समझानी पड़ेगी भाई। गाइस फोटो खिंचवा लिए, सबसे बाहर बारिश होती तो भीग गया मैं तो भाई, पूरा भीग गया। और चाय जी भी आ चुके हैं, चाय जी को पिक कर लिया हमने। चाय जी एक बैड न्यूज है, आज घर में नोटिस आया है। क्योंकि इसका सोसाइटी वालों ने भेजा नोटिस, पढ़ो इसको। अरब क्या किया जाए फिर? लो भाई इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। तो गाइस स्काई डेक पहुंच गए हैं, चलते हैं ऊपर। तो गाइस आज मिलेंगे वो वैसे पूरे 20-25 दिन के बाद। यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी आप सुन, अब यहाँ से वहाँ जाना है अपने को, कैसे जाएंगे? मेरे को पता है कैसे जाना है। कैसे? रुको, रुको, कपड़े क्यों उतार रहे हो भाई? कपड़े नहीं उतार रहा, रुको रुको ऐसे। मैं उल्टे काम मैं भी करूँ ऐसे ही सही है। चाचा जी भीगते हुए आ रहे हैं। और क्या सोसाइटी वालों ने नोटिस भेज दिया? क्या नोटिस भेज दिया? अरे वहाँ पंगा हो गया था जब मैं दुबई गया था ना। हाँ। तो उन्होंने नोटिस भेज दिया। क्या नोटिस भेज दिया? पढ़ो आप ही पढ़ो। गाइस बोल गए, चश्मा देखो कितना मस्त चश्मा है। इसमें एक चीज नोटिस करो, चश्मे में क्या डंडे नहीं है इसमें। इसके पीछे आया था ना मोबाइल के पीछे, और ये चश्मा मोबाइल के पीछे आते भी आगे दिखाऊंगा आपको। इसी देखो आई साइड वीक है ना, सन्नाटा छा गया यहाँ तो। देखो यार है दिक्कत ये, तो तुमने भी कई बार अपने ब्लॉग्स में बोला है कि लोग ऐसा ना करें। आज यहाँ तक नौबत आ गई कि आपको नोटिस आ गया है ना। नौबत आ गई कि यहाँ तक। अब घर वाले सारे टेंशन में है। देखो घर वाले का सभी टेंशन में होंगे, उसका रीजन ये है कि अननेसेसरी लोग आके परेशान करते हैं। अरे वो उस दिन वो नहीं हुआ था जिस दिन? हाँ उसी का ही है। गाइस बोई भैया ने भी सेम चीज़ बोली कि आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो भी मिलने आते हैं। गाइस मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सोसाइटी वालों को ना मैं आप लोगों को। मुझे पता है सारी गलती मेरी थी स्टार्टिंग से, हर चीज़ में गलती मेरी थी। मैंने स्टार्टिंग में अपना घर दिखाया, सोसाइटी दिखाई, घर का ब्लॉग बनाया वहाँ के आसपास का। माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, सोसाइटी वालों से, हर किसी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कि प्लीज़ प्लीज़ सब समझ जाओ। और मेंटल हेल्थ खराब हो रही है यार मेन तो ना, वो चीज़ दिक्कत हो रही है मेरी और फैमिली की भी। तो गाइज अब आपको दिखाते हैं चश्मा, उस चश्मे का राज। ये देखो फ़ोन है ना, फ़ोन के बैक कवर में चिपक जाता है ये, और इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। ये देखो ये था वो, और इसको ऐसे लेना है और ऐसे लगा लो बस। ये देखो ये बोबी का जुगाड़ है, मस्त जुगाड़ नहीं है वो। ये कितना स्मार्ट लग रहा है। और ये सस्ता आता है ना, बहुत सस्ता आता है ये। आप लोगों को ऐसे देख सकते हो और ऐसे देख सकते हो, मतलब कभी कभी लगाना ना जिसको उसके लिए सही है। और फोन में डाल के ले जाओ, ले जाने की भी दिक्कत नहीं। डालियो ये डल गया देखो, ये सही है। मैं भी एक ऐसी लेके घूमूंगा, मेरे टूट जाते हैं ना कई बार। ऐसे नहीं ऐसे, मतलब अगर आप बाहर चश्मा नहीं लगाते हो ना, मुझे तो गिर भी नहीं रहा। पढ़ने के लिए वैसे आप ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हो तो यूज कर सकते हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो यूज कर सकते हो। जिसकी आंखें ज्यादा खराब नहीं है ना, और कभी कभी यूज करना उसके लिए बेस्ट है ये। गाइस मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ ना, तो ये वाला मेरा बहुत टूटता है ट्रैवल करने में। भीड़ में कहीं पे भी चले जाओ तो कहीं पे गिर के तो टूट जाता है, बट ये सही है। तो मैं तो बैकअप में रखता हूँ हमेशा। और गाइस अभी हम पता है कहाँ पे हैं? ये देखो ये स्काई डेक का रूम है, कितना मस्त लग रहा है, फाइनली कंप्लीट हो गया। और ये वाला रूम बॉय भैया ने मुझे दे दिया परमानेंटली, मैं कभी भी यहाँ पे आके रह सकता हूँ। मेरा दूसरा घर, फाइनली एक रूम मिल गया हमको। हाँ यहाँ पार्टी वार्टी कर सकते हैं, यहाँ मस्त बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, काफी बड़ा रूम है। सामने पहाड़ भी दिखते हैं यहाँ से, अभी अंधेरा हो गया ना, पहाड़ नहीं दिख रहे देखो। तो चलो गाइस अब चलते हैं सीधा घर पे, 9 बजने वाले हैं। चाचा जी को देख के खुश हो गए। तो फिलहाल डिनर करते हैं, आलू की सब्जी है एंड रोटी है। तो भी खाना पीना हो चुका है, फिलहाल आ गए अपने रूम में। और आज देखो मेरे रूम में कैसी आवाज आ रही है भाई, कौन से कीड़े की आवाज आ रही है देखना, और बहुत तेज आ रही है पूरे कानों में, सिर में जा रही है एकदम से, इरिटेट कर रही है बहुत ज़्यादा। देखना ऐसा लग रहा है जंगल के अंदर हूँ मैं, यहाँ कहीं पे है। अब बंद हो गई, मेरे यहाँ आते ही बंद हो गई। आई थिंक वॉशरूम में है कुछ, मेरे वॉशरूम में जाती है आवाज़ बंद, फिर शुरू हो गया। कहाँ पे है? फिर से बंद हो गया। चलो फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं गाइस, सॉरी गाइस पूरा मूड खराब था आज ना। तो फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, स्लो करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद तो क्या आया होगा, बुरा लगा होगा, सॉरी गाइस मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आपको, बस मेरे को भी काफ़ी बुरा लग रहा है, अजीब से फील हो रहा है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
बंदर ले, इसको बंदर भी नहीं ले आएगा। बंदर यहाँ से खींचते हैं वैसे चश्मा, वो खींचेगा हाथ में नहीं आएगा कुछ।